हे गाइस व्हाट्स अप, मेरे 4 हाथ हो गए देखो सनी। बेटा मैं पीछे खड़ा हो गया ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दिखूं ना तुम्हारे पीछे। तुम इतनी चौड़ी। थैंक यू फॉर हाइट शेमिंग, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। बट एनीवेज गाइस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये 2022 का पहला वीडियो है। अब मेरे को इसने सुबह उठा दिया और बोलिया चले, अभी एक कप कॉफी का भी नहीं पीने दिया। और ये कह रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बट गाइज मुझे एक बात बताओ, वी ऑल आर सो बिजी कि हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। सो बिजी तो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया है। आज फाइनली एक ऐसा उजला दिन हुआ है कि आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त कोमल और सनी और मैं, हम तीनों आज थोड़ा ऑफ हैं, तो हमारे पास 3-4 घंटे स्पेयर हैं जो हम साथ में, मतलब हमारा आज कुछ काम नहीं है आज बिजी नहीं है, मतलब हाँ टेक्निकली नहीं है। बट इतना डिटेल में जाने की, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली पहले तो हमने सोचा था कि हम डायरेक्टली जहाँ पे जाने वाले हैं वहीं पे मिलेंगे, बट टाइम क्राइसिस की वजह से और बिजी स्केड्यूल की वजह से इसमें हमने थोड़ी छेड़खानी करी। कितनी अच्छी धूप आ रही है मुंह पे, मेरा पति पीछे गाड़ी साफ कर रहा है। हाँ, तो अभी कोमल जो है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे आ रही है और हम वहाँ पे उसको पिक करने जाने वाले हैं। और मेरा पति एज़ यूजुअल अपने टाइम से 10 मिनट लेट चल रहा है और अब इसको गाड़ी साफ करनी है। डेटा ऑफ रखा था तो मुझे पता ही नहीं है, और अभी मैंने ऑन किया है। भगवान क्या सोचेगी। फॉलो में भी यार ये अलग ही चल रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, कोमल भी दिख चुकी है, बट गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। तो बेसिकली आई एम जस्ट गेटिंग डाउन टू गेट हर इन द कार। अरे क्या हो गया इसको, कोमल? एक मिनट रुको, ये पागल। तू बड़े, मैं सोच रही हूँ उधर मुँह क्यों कर लिया उसे, कैसे हो? वहाँ से निकली ना, तुम्हें लगा कि ऐसे लाल हमारे पास चली गई है। सर हाई टू द व्लॉग गाइस, सॉरी रॉन्ग टाइमिंग। अब आपको गाड़ी में बैठ के मिलते हैं फटाफट से। कि भैया कोई है, बस ऐसे ही दूर से। भाई उधर मुँह करके खड़ी हो गई लड़की हमारी। अच्छा बस यार, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ओह गॉड यार, फाइनली यार न्यू ईयर। जब जागो तभी सवेरा और जब मनाओ तभी दशहरा। आई स्वेयर। बैंड लगा लो। तो अभी हम लोग वैसे गेस करो कहाँ पे हैं सनी, थोड़ा सा क्लू दो लोगों को। वेयर आर वी राइट नाउ? हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके थे पहले मिया पार्क में। हाँ, और गंदा सा गाना भी गाया था मैंने यहाँ पे। तुमने बहुत ही गंदा गाना गाया था। और मुझे अभी भी याद है तुमने बोला था तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, वो बात है तेरी भी औकात है। इट इज एग्जैक्टली। सो वी आर इन मिया पार्क। हम यहाँ पे दोबारा इसलिए आए हैं बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा कॉफी शॉप्स वगैरह को रेनोवेट किया गया है। सो वी वांटेड टू एक्सप्लोर और दिन में चिल करने की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन दोहा। क्या हुआ, मैं गिरने वाली थी और ये ऐसे किया, मैं गिरने वाली थी। और ऊपर से हम लोगों को एक और अपडेट भी देनी है। अभी कतार में नया रूल आया है कि आप लोग बाहर अगर आप घूम रहे हैं तो भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा, पहले नहीं था। हाँ तो गाइस यार सब मास्क लगाओ। और हमें पता, अभी हम यही बातें कर रहे थे कि व्हाट इफ ये दोबारा से शुरू हो जाएगा ना ड्रामा, तो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस ये वो बहुत स्यापा होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ गाइज यार, कीप योर सेल्फ सेफ। केसेस जितने हाई जाएंगे उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होने वाले हैं। सो प्लीज़ यार कुछ करो, भगवान जी इस पैंडमिक का नामो निशान मिटा दो, है ना कोमल? कोमल हम लोग कितने दिन के बाद सनी को देखो, लाइक गर्ली वाइब्स। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी, है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी। कहाँ खुला हुआ है? नहीं, इट्स ऑलरेडी, वही मैं बोल रही थी कि ऐसा ना हो कि हमारा पोपट कट जाए। That's what I was trying to say. है ना बिल्ली, घूर मत, मुझे डरती नहीं हूँ मैं तुझसे. अरे बेबी डोम वाले पे आगे चल के बैठते हैं ना, ये बंद है बच्चा. दिस इज क्लोज बेबी. आई सॉ द बोर्ड वहाँ पे, क्लोज का बोर्ड रखा है. बट वही मैं कहती कि ऐसा ना हो कि हमारा मतलब बहुत ही गंदा वाला सीन. बट आगे वाला खुला होना चाहिए यार, नहीं तो अब कॉफ़ी की तलब लग रही है और कुछ खाने की. मतलब सुबह सुबह कॉफ़ी भी नहीं पीने दी है और इस ताने की भी तलब लग रही है मुझे, इसलिए मुझे सुनना नहीं है अभी ये ताना. ये मेरे को सुबह सुबह बोलती नहीं कुछ पीना नहीं है, सीधा वहाँ जाके पीने. उठो उठो चलो चलो चलो. देखा ये जालिम दुनिया एक औरत पे कितना अत्याचार करता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट कि ये वाला खुला हो यार बेबी. सच्ची में व्यू देख लो, व्यू क्या ब्यूटीफुल है. और मैं चश्मा लेकर तो आईने लगा ही नहीं पा रही हूँ. बस कोई बात, मास्क लगा लो, चश्मा लगा लो, मतलब थोड़ा सा मुंह है वो भी ना दिखे कुछ भी उसमें से. मैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी. If you're coming to Mia Park and if you're coming to this dome sort of coffee shop, please reservation करा के आना, तो भी आपको यहाँ पे बैठने को मिलेगा, वरना आपको यहाँ पे नहीं यहाँ पे बैठने को मिलेगा, जो हमारे साथ हुआ है. हमें पता नहीं था ये, ठीक है. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सिट ओनली इन द डोम, प्लीज़ डू योर प्रायर रिजर्वेशन. और अभी ना मेरी ज़ुबान नहीं खुल रही है, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख. हम पियेंगे कॉफ़ी और उसके बाद आपसे बात करते हैं, है ना बेबी? बिल्कुल बिल्कुल. मेरे को मार देगा इसका कॉफ़ी नहीं मिली तो. कॉफ़ी जूते तो जरूर खाओगे बूते के जूते. एक्चुअली उन्होंने हमें मार दिए हैं जूते, बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी उतनी खास नहीं है और प्लस मेरे को डोम में बैठना रिजर्व क्या करना है, यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, खाली पड़ा है. और ऊपर से हमारा व्यू और ब्लॉक करता है, बिल्कुल सामने हमारे डोम 75,000 बना दिए, जैसे बड़ा ने ताजमहल बनाना. तो सनी ने मेरे को आइडिया दिया, बेबी यहाँ पे कॉफी पीते हैं और उधर चपाती खाते हैं. सही बात है, क्या करें. वहाँ पे चपाती और चाय लिखा था, मैंने इसको बोला बेबी लेट्स गो इन अ डोम. और देखिए इनकी कॉफी ढक्कन सा उड़ रहा है और कोमल की हवा कोमल अलग ट्रांस लेवल पे चल रही थी. इसमें शक्कर मिली हुई है. मैंने बोला हम इंडिया में बैठे हैं, ताज़ा ही उम्मीद कर लिया थोड़ा. मैंने कहा ऐसा ऐसा टशस लेके जा रही है वो हमें. हाँ गाइज, अगर रिजर्वेशन नहीं कराया तो मत आना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है. खुद कार कर देगी. हाँ नहीं तो ये तो भूते के जूते पड़ेंगे. कॉफी का अपना उड़ जाए मुझे अभी लग रहा है, पकड़ लो. नहीं नहीं बस तुम तो, और ये कॉफी भरा हुआ मग उड़ जाए. क्या होगा और अगर मान लो अभी उड़ जाए, मजा आ जाए. ऐसे मेरे मुंह पे बकवास कर रही है. ओह नो ओह नो. प्रस्थान लेने का समय, क्योंकि ठंडी भी इतनी लग रही है, धूप भी नहीं आ रही. मैंने मास्क क्यों पहन लिया पता नहीं, तुमने मेरे को ना ठंडी से सर दर्द हो रहा है. मैंने तो बोला था मेरी बात मान लो कि जिंदगी में तो सुखी हो जाओ. 9:30 रहोगे तो ऐश करोगे और जिंदगी के सारे मजे डेबिट करोगे. कर ही रहे व्हाट अ जोक. सारे मजे कैश करोगे, डेबिट करोगे. तुम्हें नहीं हंसना था, मेरे को हंसना था. कोई हंस ही नहीं रहा है मेरे जोक पे. कोमल गई है बिल पे करने और उसके बाद हम निकलेंगे इस क्या बोल सकते हैं इस जगह को बेबी. आप इस जगह को अगर पंजाबी में तुम्हें एक वर्ड देना हो इस जगह को तो तुम क्या बोलोगे? पाजो हथोड़ी कॉपीदाज. हमारी इतनी पंचायत है. ये तो जो आप मासूम चेहरे देख रहे हैं ना, ये चाहे तो ये पूरा बिग बॉस 15 अकेले के दम पे चला सकते हैं. सही बता रहे हैं हम. इतनी ज़्यादा पंचायत हम लोग कर रहे हैं. बट होल पॉइंट इज कि अगर लोगों को जितना काम दिया गया है बस आप उतना कर लो और दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाओ तो लाइफ वुड बी सो सिंपल. ये तो है, बट लोगों की मजे में लोगों को मजा नहीं. भैया चुल एक ऐसा कीड़ा है ना जो घुसता है ना तो फिर मतलब देखो क्रेजी ऑल टुगेदर. जस्ट डू योर फ्रीकिंग जॉब एंड गेट लॉस्ट. इस बार में तो चपाती कॉफी और कड़क एक नंबर. मेरे को घास पे बैठ थोड़ी और पंचायत विद सम कड़क. हां थोड़ी सी और थोड़ी कड़क पंचायत विद कड़क कड़क विद गजल. हाय हाय नहीं बेबी कड़क विद कड़क. मेरा छोटा बाबू क्या कहेगा, मेरे को गाली दे रहा है. कितनी गंदी कॉफी पिलाई है तुमने मेरे को. बोते में जूते बोते ना बोते तो बोल ही रहा था यहाँ पे. ऊपर मत आना यार, फालतू है बिल्कुल. क्या लिया जाए यार? न्यूटेला रैप भी है बेबी वैसे. हाँ तो तुम न्यूटेला रैप खाओ. तुम क्या खाओगे? मैं देख रहा हूँ. ओके ठीक है यार इतना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सल्यूशन का पता ही नहीं। कॉपीराइट ना लग जाए यार, मैं तो भूल ही जाती हूँ। तुमने अपना चीज़ सैंडविच बोला होगा, चीज़ सैंडविच और हो रहा है उसको ना यीस्ट को पूरी रात छोड़ना पड़ता है ताकि केक के लिए ब्रेड बनाते हैं। आर यू सीरियस? हाँ मैं सारा कर रही हूँ। या तो हम इसे फुल्लू बनाते हैं, ये ब्रेड भी बनाती है भैया। तो घर पे बैठ के कुछ तो करना है। सनी यहाँ पे कौन आ रहा है? देखिए हमारा वल्चर बैठा हुआ है। हमने इतनी रील शूट करी है गाइज, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू चेक इट आउट। बहुत ही मजे की, और कोमल का डेब्यू हुआ है मेरे रील्स में। चैनल का नाम तो बताओ क्या, इंस्टाग्राम का क्या चैनल है? गो गजल गॉन, ऑफ कोर्स इट्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। स्टोन एज, यू हैव टू फॉलो, प्लीज प्लीज चेक इट आउट गाइज। 60s का कोई डायलॉग है, हमने उसके ऊपर बनाया है दो सहेलियों के ऊपर, तो प्लीज जस्ट गो एंड चेक इट आउट। पता है गाइज, हम लोग तब से बात कर रहे हैं हॉन्टेड कहानियों के बारे में, क्योंकि हम लोग दुनिया के इतने सारे होटल्स में रुकते हैं, तो वही भी मुझे डिस्कसिंग कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ हुआ, आई वोंट डिस्क्लोज द डेस्टिनेशन बिकॉज लॉट ऑफ क्रू वॉचेस माय वीडियो, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी रह जाएगा। तो मैंने कोमल, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन दिस, बट मैंने एक हॉरर स्टोरी करके सनी ने मेरे लिए रिकॉर्ड किया था, एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आई हैव एक्चुअली टेस्टिफाइड जो मेरे साथ supernatural paranormal incidents हुए हैं and what I was planning, and comment down in the section if you feel we should do this. I'm thinking you and I sit for the podcast together on YouTube. Oh okay. Huh? Yeah, yeah, yeah. And then maybe we can talk about our supernatural experiences. Yeah, yeah. Not only negative, positive, but also positive as well. So yeah. Like a spiritual podcast because I do a lot of things and I will release it on Spotify. अगर ऐसा कुछ सुनना चाहते हो या अगर आपको वीडियो भी देखना है, we can do the video podcast as well. We will put it down on YouTube. तो अगर कुछ ऐसी अनोखी कहानियाँ, समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना सुननी है तो मतलब प्लीज हमें बताओ, देन वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल डू द पॉडकास्ट। या व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस। यार बहुत कुछ होता है बिकॉज हम दुनिया के हर कोने में रुकते हैं गाइस। हमारा तो न्यू ईयर फाइनली हैप्पी हो गया, देख रहा है लेकिन दुरुस्त है। अरे वो देखो क्या चला रहे हैं ओए, ट्राइसाइकिल टाइप का चला रहे हैं छोटू। हाँ। हम भी करेंगे लेकिन आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम भी करेंगे। अच्छा मैं पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ, रुको। ये देखो, ये बच्चे मन के सच्चे, आजकल तो बच्चे मन के सच्चे भी नहीं, उजड़ रहे एक नंबर के हर जगह। हाँ नहीं तो एनीवेज गाइज, इज द टाइम टू एंड द व्लॉग बिकॉज वी ऑल थ्री हैव टाइम क्राइसिस। तो हम लोग अभी अपने अपने घर जा रहे हैं, कोमल को ड्रॉप भी करेंगे। एंड वही मैं उस दिन मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी और मैंने बोला था कि जब भी मनाओ और खुशी से मनाओ, डजेंट मैटर कि न्यू ईयर का ही दिन होना चाहिए, बट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और हमारे साथ हैंग आउट करना अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे बहुत सारे मज़ेदार कंटेंट आते रहेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट्स ऑल। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम देन, चाओ। अभी तुम भी चाओ कर दो।